अब एक तरफ जहां पिता धर्मेंद्र अपने लव अफेयर के किस्से को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में थे और उन्होंने अपने जीवन काल में दो दो शादियां की, तो वहीं दूसरी ओर बड़े बेटे सनी देओल भी किसी से कम नहीं रहे। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनेता सनी देओल ने साल 1983 में आई फिल्म बेताब के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि आने वाली कई सारी फिल्मों की शूटिंग के दौरान सनी पाजी का क्रश कई सारी अभिनेत्रियां बनी और उनके लव अफेयर के किस्से भी काफी ज्यादा सुर्खियों भरे रहे। ठीक इसी कड़ी में सनी देओल के जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको सनी पाजी के उन लव अफेयर के किस्सों के बारे में बताने वाले हैं जो आज भी मीडिया के गलियारों में काफी ज्यादा वायरल होते हैं। अब आपने भी बॉलीवुड में कई सारी फिल्में सनी पाजी की देखी होंगी और उन फिल्मों में जबरदस्त एक्शन भी देखा होगा, साथ ही उनकी एक्टिंग के लोग कायल भी रहे। सनी देओल बॉलीवुड में केवल अपने एक्टिंग ही नहीं बल्कि गुस्से और अफेयर के लिए भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा करते थे और इसी कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी हसीनाएं थी जिनको लेकर अभिनेता सनी देओल एक समय काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गए थे। सबसे पहले अभिनेत्री की बात करें तो इनका नाम है अमृता सिंह। बताना चाहेंगे कि साल 1983 में फिल्म बेताब के जरिए सनी पाजी ने अपने एक्टिंग की शुरुआत की थी और इसी फिल्म में सनी देओल एक्ट्रेस अमृता सिंह के अपोजिट नजर आए थे। बताया जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान अमृता सिंह सनी देओल से बेइंतहा मोहब्बत करने लग गई थी। फिल्म बेताब हिट रही, साथ ही अमृता और सनी देओल की जोड़ी भी हिट रही थी। सनी और अमृता का इस फिल्म से अफेयर भी शुरू हुआ था। सनी देओल ने फिल्म बेताब रिलीज होने के बाद ही लेंडा यानी पूजा देओल से शादी कर ली थी और सनी देओल के अब दो बेटे हैं। बताया जाता है कि सनी देओल से अलग होने के बाद अमृता सिंह ने सैफ अली खान से शादी की और अमृता और सैफ के दो बच्चे हुए, इब्राहिम अली खान और सारा अली खान। इसी के साथ ही सनी पाजी का नाम दूसरी अभिनेत्री के साथ डिंपल कपाड़िया से जुड़ा था और एक समय डिंपल कपाड़िया को लेकर वो काफी ज्यादा चर्चाओं में भी आ गए थे। बताया जाता है कि डिंपल राजेश खन्ना से शादी करने के बाद अलग हो गई थी, तब सनी संग उनका नाम काफी सुर्खियों में आया था और बताया जाता है कि ये दोनों काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। कहा तो ये भी जाता है कि 11 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद इस रिश्ते ने अपना दम तोड़ा था। तब डिंपल की दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना भी हो चुकी थी। अब डिंपल से अलग होने के बाद सनी देओल का नाम रवीना टंडन से भी जुड़ा था। रवीना का अक्षय कुमार से उस दौरान ब्रेकअप हुआ था, तब सनी देओल ने रवीना के टूटे दिल को संतावना दी थी और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। हालांकि रवीना और सनी का रिलेशनशिप बहुत ही छोटा था और आने वाले समय में यह रिश्ता खत्म भी हो गया। बताया जाता है कि रवीना ने इसके बाद अनिल थरडानी से शादी कर ली, लेकिन रवीना शादी से पहले ही दो बेटियां छाया और पूजा टंडन को गोद ले लिया था। शादी के बाद रवीना की खुद की बेटी राशा और बेटा रणवीर है। रवीना कुल मिलाकर चार बच्चों की माँ है और अब वो नानी तक बन चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि ये वो बड़ी हसीनाएं थी जिनके साथ अभिनेता सनी देओल का नाम एक समय काफी ज्यादा वायरल हुआ। आज सनी देओल अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं और जन्मदिन के खास मौके पर कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल भी हो रहे हैं। आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले, जिनमें सबसे ज्यादा गदर 2 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।